गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल शबनम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मेकअप हॉल के बारे में, जो कि मैं वन बाई वन आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये कुछ ऐसे मेकअप है जो कि हमारे पास रहने ही रहने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स में जो है वो आपके सामने शेयर करती हूँ। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स मिले हैं कुछ इस टाइप से मिले, इतने प्रोडक्ट्स मिले जो कि अनबॉक्सिंग किया मैंने और इसको इकट्ठा कर दिया ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो मैं कुछ ऐसे इसको कर ली हूँ और मैं वन बाय वन आपको शेयर करके दिखाऊंगी इसके रिव्यू भी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना पहला प्रोडक्ट जो कि लैक्मे एब्सोल्यूट फाउंडेशन। इसकी शेड की बात करें तो ये 04 गोल्डन लाइट है, जो ये मेरा शेड है, मैंने अपना शेड मंगवाया। अगर आपकी स्किन टोन भी मीडियम है मेरी तरह है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर लेना। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है कलर बार जस्ट स्मोकी काजल। सो जो थर्ड प्रोडक्ट है हमारा वो है लैक्मे 925 सीसी क्रीम। आई थिंक आप रेगुलर मेकअप अगर करते हैं तो आप इसे हमेशा, इसके साथ आप हमेशा रेगुलर मेकअप कर सकते हैं, कोई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है मिस क्लैरी का स्मोकी आई पैलेट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। पता है क्यों? क्योंकि जो मैंने काफ़ी, इसके पिगमेंट तो काफ़ी अच्छे हैं बट ये मुझे डिफेक्ट मिला था। अगर आप देखिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टेड मिला है, तो मैं इसको रिटर्न डाल दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पिगमेंट की बात करें तो ले मैं शो यू। इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पर मुझे थोड़े डिफेक्ट मिल गए, इस वजह से मैं अभी इसको रिटर्न डालूँगी। तो बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट। मैंने कुछ ऐसे इस टाइप के ब्रश मंगाए जो मुझे कंटूर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने कुछ ऐसा ब्रश मंगाया। एंड द नेक्स्ट वन दैट आई हैव, ओह माय गॉड, मैंने एक बैग में रखने के लिए ना, कभी ट्रैवल करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि उस टाइम पे मिरर की ज़रूरत होती है, तो मैंने कुछ ऐसा मिरर मंगाया। एंड अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो NYBae का काजल है, जो अभी मैंने जो लगाया है वो भी NYBae का ही काजल लगाया है। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है NYBae की काजल, बहुत ज़्यादा अच्छी स्मजी है काफ़ी ज़्यादा, एंड डार्क ब्लैक है काफ़ी। सो मेरे को लगा कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए मुझे, मैंने अभी इसको मंगाया। इसकी प्राइस भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो कुछ लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट है। सो मैंने एक ये मंगाया जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, आप कहीं भी जा रहे हैं तो एक कॉम्पैक्ट तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया वो कंसीलर पैलेट मैंने, ओह माय गॉड, काफ़ी अच्छा है। मैंने आई थिंक इसको यूज़ भी किया अभी, क्योंकि ये मुझे आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले ही मेरे को ये रिसीव हो गया था। सो मैंने अभी इसको आई थिंक ये दोनों शेड मैंने यूज़ किए हैं कंसीलर के, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है, मैंने कुछ हाइलाइटर मंगाया है जो कि मैबेलिन का है। इसकी मेटेलिक हाइलाइटर है, आई थिंक इसमें 2 सेट्स आते हैं। मैंने मेटेलिक हाइलाइटर मंगाया है, अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है SQ का ही कंसीलर, SQ का कंसीलर जो कि आई थिंक 99 का है, पर मुझे कुछ डिस्काउंट में मिले थे, पर्पल पे डिस्काउंट चल रहे थे तभी मैंने इसको मंगा लिया।
सो बात करें हम अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो हाँ मैंने कुछ जो है वो पर्पल से शॉप किया है एंड कुछ जो है वो फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। तो मैं दोनों को मिक्स मैच करके मैंने सोचा कि चलो एक मेकअप का हल्का छोटा सा मैं आपके सामने लगा रखती हूँ, हॉल रखती हूँ, जो कि आप सबको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें इन सब चीज़ों को तो अपने मेकअप किट में रखना ही रखना चाहिए। सो प्रोडक्ट की बात करें तो मैंने ये SQ का आईलाइनर मंगाया जो कि मैटे फिनिश है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली मैं इससे पहले कलर बार यूज़ करती थी पर अब SQ के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं इसकी फिनिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लुक की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, अभी बना है फेवरेट। एक्चुअली बात करें अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो है कलर बार का आईलाइनर। ये ब्राउन कलर है जो कि ग्लॉसी है, ये मैटे नहीं है, ये ग्लॉसी है। इसकी भी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये ग्लॉसी है। एंड इन सब के प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है विटामिन सी सीरम, जो मैं अभी ये काफ़ी दिन पहले मुझे आ गया था। मैं सोची थी इसको हॉल बनाने के लिए, हॉल में डालने के लिए मेकअप में, पर मैं इसको यूज़ भी करने लगी थी काफ़ी ज़्यादा, मैंने आधी बॉटल यूज़ भी कर ली है आई थिंक। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है ओरिफ्लेम का, ये क्रीम है। इसे आप कहीं भी जाइए, बाहर कहीं भी जाइए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा क्रीम है, तो आप इसे हमेशा यूज़ कर सकते हैं। एज ए इसको लगाने के बाद आपको कोई फाउंडेशन किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे काफ़ी अच्छा आपके फेस को भी काफ़ी अच्छा ग्रेस लुक देता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी बात करें अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये लैक्मे रोज़ पाउडर, लूज़ पाउडर है ये रोज़ पाउडर है विद सनस्क्रीन। लैक्मे का ये लूज़ पाउडर है जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम कंसीलर अप्लाई करते हैं या फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इसको लूज़ पाउडर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फेस पे, कि फेस हमारा पैची ना हो इस वजह से। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है वो है NYB का नेल पेंट, ग्लॉसी है, काफ़ी ज़्यादा स्पार्की है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये वाली, क्योंकि मैं नेल पेंट, मेरे को स्पार्की काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड जो नेक्स्ट है वो NYB नेल रिमूवर है जो मैंने मंगाया है अभी। सो अभी मैंने सोचा कि आपके साथ ये सारे प्रोडक्ट शेयर करूँ, क्योंकि आई थिंक इतने प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास हमारे वैरायटी बॉक्सेस में होने ही होने चाहिए, जो हमारे रेगुलर लाइफ में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आई थिंक मैं अगर मेकअप हॉल का फिर से मैं बनाती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड हाँ, कुछ आई पैलेट्स मैंने नहीं लगाए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसके अलग से मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँ। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, या फिर स्क्रीन पे नीचे आपको मैं अपना इंस्टाग्राम ID मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ भी मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं।